अरे इंसान बेशकता गरीब क्यों ना हो, जब उसका जमीर जिंदा है उन्हें कोई नहीं सता सकता। बेटा बहु नारियल दामाद कीशे लकड़ेंगे, कोमाई का लाल नहीं बता सकता। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बंदरोली की तरफ तक सारे भाई ने राम राम भाई। रणदीप मलिक डेयरी फार्म जला जींद के अंदर में पहुंचे हैं, रणदीप भाई का बार बार स्वागत है। तो आज पता करेंगे भाई क्या सौगात है, कैसा पशु आज हमारे चैनल पर दिखाएंगे। रणदीप भाई राम राम। राम राम भाई, एक बार दर्शक और कर दो राम राम सभी भाइयों ने। राम राम भाई, और ठीक हो भाई साहब? बहुत बढ़िया। देखिए भाई आज फिर पहुंचे हैं रणदीप भाई के डेयरी फार्म पर। आज तक जितनी भी वीडियो कवर करी है एक से एक टॉप क्वालिटी का पशु दिखाया है भाई। आज मैंने शुरुआत में कह दिया उम्मीद से कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो किस तरह का पशु है उसके बारे में बताओ भाई जी। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें एक ही जोटी दिखाएंगे। अच्छा, आज पहली बार शायद? हाँ, हमारे चैनल पर तो पहली बार एक ही पशु दिखा रहे हो आप। आज तक मैंने वैसे भी नहीं दिखाया कभी एक। अच्छा, एक पशु आज तक नहीं दिखाया किसी वीडियो में, तो आज एक पशु की वीडियो कवर करेंगे तो उम्मीद है भाई कुछ ना कुछ खास बात होगी। तो भाई ये सामने जो जोटी के बारे में बातचीत शुरू कर देते हैं। सामने ये जो जोटी देख रहे हो आप भाई, इतने बड़े अडर की जोटी अपने चैनल पर भाई पहली बार हम दिखा रहे हैं। और रणदीप मलिक भाई भी कोई भी वीडियो में सिर्फ एक ही पशु पर बातचीत करेंगे, वो भी आज पहली बार ही ऐसा होगा। रणदीप भाई ये जो सामने जोटी है इसका हर एक पॉइंट पहली बात तो भाई देखते ही पता चल जाता है क्या चीज़ आज आप हमारे चैनल पर दिखा रहे हो, लेकिन हर एक डिटेल इसकी आप अपने मुंह से ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करें भाई साहब इसकी पूरी डिटेल। भाई जी ये सेकेंड टाइमर है। अच्छा जी। हाँ, और दांत भी मैंने देखे नहीं, वो भाई तो कह रहा था शायद 6 दांत है। अच्छा जी, जिससे मैं लेके आया हूँ। और इसका फर्स्ट टाइमर का रिकॉर्ड भी 17-18 लीटर का बता रखा था भाई। मैंने तो देखो इसका तोल के नहीं आया हूँ, लेकिन इसके अडर को देखते हुए तो इसका 25 लीटर भी कम है। अगर इसके अडर की बात करें, आपको जानकारी दी है फर्स्ट टाइमर ने इसने 17 या 18 लीटर निकाल लिया। हाँ बिल्कुल। और भाई सेकंड टाइमर ने आप प्रेग्नेंट नहीं लेके आए हो? हाँ बिल्कुल। कई दिन पहले आई है अपने डेयरी फार्म पे? अपने पास 3 दिन पहले आई है भाई। 3 दिन पहले अपने पास माई है। कितने दिन बाकी हैं और इसके बहने के भाई साहब? भाई जी अब तो ये कभी भी ब्याज हो, कभी डेट तो मैंने पूछी नहीं। हाँ, लेकिन वैसे बात है कि हॉस्टल ले लेगी 2-4 दिन। फिलहाल की कंडीशन देख के भाई हमें अंदाजा लगा सकते हैं कभी भी बच्चा दे सकती है ये। हाँ भाई, बिल्कुल छोटा सींग है भाई, मध्यम हाइट है और मुँह से देखी नहीं है बता रहे भाई साहब 6 दांत है। हाँ बिल्कुल, वो चीज भी आपने। बहुत शरीफ जोटी है भाई, और बिल्कुल शांत स्वभाव, बहुत शरीफ जोटी। और इतने बड़े अडर की भाई ये अडर तो भाई साहब मिल्क ब्यूटी में भी अगर कोई बहस देखो ना कितने ही रिकॉर्ड उठा लो ऐसा अडर तो उनका नहीं मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, अगर मैं तो भाई जी ये मतलब कोई तो कहता है कि भाई 60 नंबर होते हैं, इसके तो अडर के 600 नंबर है। 600 नंबर। हाँ, इसके 10 गुना नंबर है। हाँ, इसके तो ऐसा अडर नहीं मिलता भाई साहब। तो देखने के लिए मिलता है इतना सीधा तरण साफ, मैं पूरा आगे का पीछे का पूरा ऑर्डर बढ़िया, बहुत बढ़िया पश्मी की जोटी है। तो रणदीप भाई अगर फिलहाल कोई प्रदर्शनी होती तो भाई अगर आपने जैसा बताया अगर भाई कहीं पे मिल्क ब्यूटी में लगाऊ ना तो सीधा मैं ये टारगेट लेकर चलूं कि भाई लाल फूल बंद का होगा। बिल्कुल भाई, अगर ऑर्डर को देख के मान के चलो कोई वो करता है तो मतलब जज का ध्यान ही नहीं जाया कहीं और। बिल्कुल, इस जोटी का जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर से निगाह हटेगी। हाँ बिल्कुल नहीं हटेगी भाई। एक बात फिल्म थी ना धूम 3, उसमें आमिर खान कहे अगर 3 मिनट में मेरी एक बार भी आंख झपकी तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। हाँ। तो उस तरह की जोटी है कि आंख नहीं झपकेगी, लगातार देखने का मन करेगा इसका। बिल्कुल, अगर फिलहाल कोई प्रदर्शनी होती तो इसमें जरूर लगा हुआ आप। हाँ बिल्कुल, ये लगाते और वहां से कुछ ना कुछ उम्मीद थी भाई, कुछ ना कुछ। हाँ जी, पहले नंबर की उम्मीद है, दूसरे नंबर की कहाँ से इसकी उम्मीद आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, पहला नंबर। मेरी बात सुनो। हाँ जी, इससे पुट्ठा बढ़िया होता है जी, हाइट बढ़िया हो सकती है जी, लेकिन जो मेन कारण है भैंस को किस लिए खरीदते हैं, जो मेन कारण है वो इससे बढ़िया इससे नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया जोश है और अडर, बहुत बढ़िया जोश, आगे पीछे थनों का गैप, वो देसी भाषा में कह दिया रणदीप भाई कती थना की बंदूक सी तन रही है। बिल्कुल भाई, उसी तरह की जैसे एक फौजी निशाना लगाता अपनी बंदूक से, उस तरह से अपना थना की कती बंदूक सी तन रही है। और भाई एक एक बुलंद का, डेढ़ डेढ़ बुलंद का अगर हम गैप भी कह सकें तो उसमें भी कोई भाई तो इसने 1.5 फुट का भी बना देता। हाँ जी, हाँ ठीक है, वो तो कहने की बातें आती हैं। बिल्कुल जी, जो सच्चाई होगी वही चीज बताई। बिल्कुल भाई,
तो एक चीज और भाई साहब, एक चीज ये और पूछना चाहूंगा, अगर आपको नॉलेज हो, बताया हो भाई जिससे भी आपने खरीदी है, फिलहाल ये कौन से बुल से प्रेग्नेंट है? भाई नहीं बताया ना पूछी। अच्छा, इसके बारे में ना अगले ने बताया ना हमने पूछी। 17-18 लीटर अगले के घर पे दिया है दूध इसने। हाँ भाई वो बता रहा था। अच्छा जी, तो अब ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से तो चाहे ये 30 किलो दे दे वो भी कम है। अच्छा जी, आपका अंदाजा ही हो रणदीप भाई, आप भी महीने नहीं, अंदाजा नहीं, मैं ये वैसे बात बता रहा हूँ। इतना जैसे मान के चलो जो इसका ऑर्डर का सिस्टम है, जो जैसे इसकी बिल्कुल पतली चमड़ी की झोटी है उस हिसाब की बात कर रहा हूँ मैं भाई। उस हिसाब से आप बता, मैं ये नहीं कह रहा ये देगी। हाँ जी, मेरे को नहीं पता ये क्या देगी, लेकिन मैं वैसे बात बता रहा हूँ। हाँ, वो चीज तो भाई देखिए, डब्बा बंद है, डब्बा खुलने के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या रिजल्ट आओगा, कितना दूध देगी कितना नहीं देगी। आप भी भाई महीने में 200-250 पशु सेल परचेज कर लेते हो कम से कम, आपकी एवरेज है ये? बिल्कुल भाई, वही वाली बात है, आप वाली बहने के बाद पता चलेगा भाई, संदूक को खोलने के बाद पता चला बंदूक तीड़ है। हाँ बिल्कुल सही बात बताई रणदीप भाई ने, वो संदूक खोले पास मेरा लग गया, बहू बंदूक ले रही है, संदूक में बंदूक है या तीड़ है, वो चीज तो भाई बहने के बाद ही पता चलेगा, 2-3 दिन में जब भी आ जाएगी बच्चा दे देगी, सेकंड टाइमर है। और एक और बात है भाई, अगर बढ़िया जैसे इसके ऊपर जैसे मतलब बच्चा होगा तो पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान के चलो इसकी पूछ के हिसाब से पूछ मिल गई हो, जैसे पश्मी मिल गई ना और फीमेल काफ दे दी जी, तो इस बार मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था टारगेट अपना 50 झोटियां अच्छी रखने का है, जिसको मतलब आके लोग देखे हाँ भाई यहाँ पे इस टाइप का माल मिलता है, ठीक है, तो ये शॉप मतलब मैं रखूंगा, अगर कटड़ी दे दी तो मैं पक्का रखूंगा इसको। इसको सेल नहीं करोगे आप अगर कटड़ी दे दी? कटड़ी दे दी तो अगर गैप बने बिक गई तो बेच दूंगा भाई, अगर गैप बने कोई बयाने के बाद कटड़ा दे दिया तब भी बेच दूंगा, तब भी बेच दोगे अगर इसने कटड़ी दी, फिर ये नॉट फॉर सेल है। हाँ भाई, तो गैप बने फिलहाल की जो कंडीशन में है अभी भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पता भाई कटड़ा देगी या कटड़ी देगी, मेल काफ देगी या फीमेल काफ देगी, तो उसी हिसाब से भाई साहब ने कहा अगर फीमेल काफ को अगर जन्म देती है तो फिर मैं इसको बिल्कुल भी किसी कीमत पे सेल नहीं करूंगा, क्योंकि भाई देखिए इसकी जो कद काठी है, जो सबसे मेन जो पॉइंट भाई ने बताया था, अगर भाई डॉक्टर या जज जब इसको रिंग में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की तरफ ही ध्यान रहेगा, और इससे को भाई हमने भी और इससे तो होता बहुत सारी बैसों के अच्छे मिल जाएंगे इससे। अच्छा जी, लेकिन जो नीचे का हिस्सा वो नहीं मिलेगा भाई, नीचे का जो हिस्सा है ये तो विरले है, कई कई सालों में आते हैं ये इससे, बिल्कुल ये चमत्कार कभी कभी होते हैं। तो भाई साहब गबन को भी इसको सेल कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो भाई कीमत के बारे में बात करूं रणदीप भाई, इसकी कीमत मत पूछो भाई। अच्छा जी, ये तो वही वाली बात है, आज कीमत बता दी, ये ब्याह गई, ब्याहने के बाद कहेंगे तूने आपने तो ये बताया था। अच्छा, ठीक है, सोना मिट्टी मतलब ब्याहने के बाद होगी, तो इसकी कीमत ना बताने का यही कारण है कि भैया आज कल में कभी भी ब्याह सकती है, और भाई देखिए उम्मीद है इसकी जो सामने आप देख रहे हैं वो चीज़ भी, अगर हम 20-22-25 लीटर तक भी कहें तो उसमें भी कोई धोखा नहीं है, आगे ऊपर भी दे सकती है जी। तो रणदीप भाई इसमें फिर ये बताओ, आपने कहा भाई प्रेग्नेंट है अभी भी सेल कर सकते हैं, और या फिर करेंगे ब्याहने के बाद दूध तैयार करके? हाँ, फिर अपना 20-25 जितना भी देगी जो भी है, फिर उसके हिसाब से बता दूं, इसके ऑर्डर को देखते हुए ये तो 30 किलो दे देगी लोगों की तरह भाई, इतनी बात नहीं करनी आती, ठीक है, जो जेन्युइन बात है वही करनी आती भाई। तो भाई और कटड़ी को जन्म देती है फीमेल काफ को, तो फिर है ये नॉट फॉर सेल? नॉट फॉर सेल, क्योंकि भाई हमने टारगेट रखा हुआ है, एक आने वाले टाइम में ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रहे हैं, तो हम क्या दिखाएंगे भाई, हमारे पास माल तो होना जरूरी है ना। बिल्कुल, दुकानदारी में माल नहीं होगा तो हम उनको क्या चीज़ दिखाएंगे? एक अच्छी चीज़ हम दिखाएंगे तभी भाई चल के अपना ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने की उम्मीद है। एक भाई ने पर्सनली फोन पर बात हुई थी कॉल सेंटर की, कॉल सेंटर भी उससे, ताकि किसी भी पूरे भारतवर्ष के किसी भी पशुपालक को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, किसी लैंग्वेज में भी दिक्कत होती है कई बार, अपना हैदराबाद तेलंगाना साइड से भी कॉल आती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पशुपालन को बढ़ावा देने का काम करेंगे आगे आने वाले समय में रणदीप भाई। रणदीप भाई नंबर तो आपका लगभग 500 वीडियो है यूट्यूब पर सभी में चलता रहता है, लेकिन एक बार फिर अपना फोन नंबर बता दो भाई साहब। 98-171-31-733 ये मेरा ओनली कॉन्टैक्ट नंबर है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9991-37002, ये ओनली व्हाट्सअप नंबर है भाई। हाँ जी, किसी भाई के मैं फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है नहीं उठा पाता हूँ, तो इस पर मैसेज छोड़े। बहुत बढ़िया बात है भाई, इस पर मैसेज छोड़ दिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है दिन भर फ़ोन बजते रहते हैं, आराम भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है, तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज छोड़ दें और आपसे ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा।
तो भाई देखिए, अगर आज की वीडियो में रणदीप भाई की ये जोटी आपको पसंद आई हो, बहुत बड़े अर्डर की जोटी दिखाई है, तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और भाई कमेंट में अपनी राय जरूर दे दें। राम राम सारे भाइयों ने। रणदीप भाई एक बार फिर राम राम कर दो। राम राम सारे भाइयों ने भाई।